तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है ये भी, आईपीएल 2023 से पहले। दरअसल क्या है, संजू सैमसन की बेस्ट 7 इनिंग। आप लोग संजू सैमसन को लेकर बड़ा पसंद करते हैं उसकी खबरों को, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा सा खंगाला सोशल मीडिया, और उसके बाद में संजू सैमसन की 7 बेस्ट इनिंग आईपीएल के इतिहास में अभी तक जो संजू सैमसन ने पारियां खेली हैं। संजू सैमसन कमाल के बल्लेबाज हैं। विराट कोहली के बाद संजू सैमसन अगर भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। ये बात भूलनी नहीं चाहिए आईपीएल वालों को। बड़े-बड़े दिग्गज संजू सैमसन से पीछे हैं शतक लगाने में, लेकिन उसके बावजूद संजू सैमसन को मौका नहीं मिलता है, बाकी खिलाड़ियों को मौका मिल जाता है। खैर चलिए, वो बात छोड़िएगा। अब संजू सैमसन की 7 बेहतर पारियों का जिक्र करूंगा आप लोगों को। संजू सैमसन की मैं 5 पारियों 6 पारियों का जिक्र करूंगा, आपको 7वीं पारी बतानी है। तो ये शुरू करते हैं संजू सैमसन की ये पारियां। सबसे पहली पारी 55 रन 102 गेंदों पर 102 रन बनाए थे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2019 में। 10 चौके और 4 छक्के लगाए थे, और ये वो मैच है, ये मैच बड़ा ऐतिहासिक था संजू सैमसन के लिए। संजू सैमसन के लिए वो ये वो मैच था जब अजिंक्य रहाणे उनके साथ थे दूसरे छोर पर, और दोनों ने 198 रनों की पार्टनरशिप की थी। बड़ी ऐतिहासिक पार्टनरशिप थी, और ये पार्टनरशिप विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तोड़ सकती थी, लेकिन 198 रनों पर ही ये पार्टनरशिप रुक गई थी। अजिंक्य रहाणे ने भी इसमें शतक लगाया था, और संजू सैमसन ने भी 102 रनों की पारी खेली थी। तो ये पारी भी संजू सैमसन की बहुत ऐतिहासिक है, इसीलिए इसको सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है। उसी और इस मैच को राजस्थान जीत गई थी। दूसरे नंबर पर 63 गेंदों पर 119 रन बनाए थे संजू सैमसन ने पंजाब के खिलाफ 2021 में। 12 चौके 13 छक्के, अंदाजा लगा सकते हैं कितना तूफान संजू सैमसन ने मैदान पर मचाया होगा इस मैच के दौरान। उसके बाद में ये क्या था कि 4 रन से हार गई थी ये मैच, राजस्थान की टीम 4 रन से हार गई थी, लेकिन संजू सैमसन का जो तूफान था वो बड़ा शानदार था, और बहुत तो अपने दम पर, मतलब एक तरफा अपने दम पर मैच जिताने की कोशिश की थी संजू सैमसन ने उस मुकाबले को, लेकिन आखिरी गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी और नहीं बन पाए थे। वहां पर 4 रनों से मैच हार गई थी राजस्थान। बड़ा ऐतिहासिक मैच था ये भी संजू सैमसन का, वो शतक बेकार चला गया था। उसके बाद में तीसरा मैच 45 गेंदों पर 92 रन। आप एक चीज मैं बाद में बताऊंगा आपको संजू सैमसन की इन पारियों में, एक चीज ध्यान रखना, वो मैं आप लोगों को आखिर में बताऊंगा। 45 गेंदों पर 92 रन आरसीबी के खिलाफ संजू सैमसन ने बनाए थे 2018 में। उसमें 10 छक्के संजू सैमसन ने लगाए थे, और राजस्थान उस मुकाबले को जीती थी। तो ये भी बहुत ऐतिहासिक मैच था। कुल मिलाकर बात क्या है कि संजू सैमसन ने जो पारी खेली, उनमें उन्होंने जिस मैच में बड़ी पारी खेली, वो मैच उन्होंने अपने दम पर सिंगल हैंडेडली जिताया। ये संजू सैमसन की काबिलियत थी इन पारियों में, अगर आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो यही सबसे बड़ी बात है कि जिस मैच में संजू सैमसन का बल्ला चला, वो विराट कोहली की तरह है, जब बल्ला चलाते हैं तो मैच जिताते हैं, ये बात समझ कर रखना। दूसरा विराट इसीलिए बोला जाता है उनको। अब बात करते हैं चौथे मैच की। चौथे मैच में 63 गेंदों पर 102 रनों की तूफानी पारी संजू सैमसन ने खेली थी। 3 शतक संजू सैमसन जो लगा पाए आईपीएल में, वो तीनों शतक का मैंने आपको आंकड़ा बता दिया। 63 गेंदों पर 102 रन आरपीएस, मतलब जो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम होती थी, उसके खिलाफ खेला था। 2017 में यह पारी खेली थी। 8 चौके 5 छक्के संजू सैमसन ने लगाए थे, और सबसे बड़ी बात क्या है, यह ऐतिहासिक पारी इसलिए थी क्योंकि यह संजू सैमसन का पहला शतक था। संजू सैमसन का ये पहला शतक था, इसलिए ये पारी हमेशा संजू सैमसन को याद रहेगी। हमेशा संजू सैमसन इस पारी को अपने दिल में बसा के रखेंगे, क्योंकि आईपीएल का ये पहला शतक था। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ ये मैच था, और 63 गेंदों पर 102 रनों की तूफानी पारी संजू सैमसन ने खेली थी। तो जाहिर तौर पर यह मैच बड़ा ऐतिहासिक संजू सैमसन के लिए रहा है।
उसके बाद में अगर मैं बताऊं आपको तो ये पांचवी पारी जो संजू सैमसन की है वो है 57 गेंदों पर 82 रन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, और ये 2021 में संजू सैमसन की पारी आई थी, और ये मैच भी बड़ा ऐतिहासिक था संजू सैमसन के लिए। ये मैच भी बहुत ऐतिहासिक था, ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि 3000 रन आईपीएल के संजू सैमसन ने इस मैच में पूरे किए थे, इसीलिए ये मैच बहुत ऐतिहासिक था। तो ये भी मतलब संजू सैमसन ने जब बड़ी पारी खेली एक अलग कीर्तिमान बनाया, एक अलग रिकॉर्ड संजू सैमसन ने बनाया, इसीलिए संजू सैमसन की बड़ी पारियों को हमेशा याद किया जाता है। उसके बाद में अगर छठी पारी की मैं बात करूं तो 42 गेंदों पर 85 रन बनाए थे पंजाब के खिलाफ 2020 में, 4 चौके और 7 छक्के संजू सैमसन ने अपनी इस पारी में लगाए थे। इस मैच को भी राजस्थान की टीम जीती थी। तो जाहिर तौर पर संजू सैमसन की जो 6 पारियां हैं ये 6 पारियां बड़ी ऐतिहासिक है, बहुत शानदार ये 6 पारियां हैं संजू सैमसन की, और 3 शतक संजू सैमसन अभी लगा चुके हैं, और आईपीएल के इतिहास में विराट कोहली ने 5 लगाए, विराट कोहली के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं संजू सैमसन शतक लगाने में, बड़े-बड़े दिग्गज आए लेकिन संजू सैमसन को पीछे नहीं कर पाए। इसीलिए संजू देखिए एक तरफ जहां आईपीएल के आधार पर बाकी खिलाड़ियों को मौका मिलता है, बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका मिला है ना, हर्षल पटेल उनमें से एक है, बहुत सारे तमाम खिलाड़ी हैं, हार्दिक पांड्या जैसे बुमराह खिलाड़ी जैसे खिलाड़ी, दीपक चाहर जैसे खिलाड़ी आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर टीम इंडिया में गए हैं, लेकिन संजू सैमसन नहीं गए, जबकि बल्ले से कमाल किया, कप्तानी से कमाल कर रहे हैं, शानदार लीडरशिप उनके अंदर है, लेकिन उसके बावजूद संजू सैमसन के साथ गलत होता है, नाइंसाफी होती है, इसीलिए संजू सैमसन के लिए आवाज उठाई जाती है, इसीलिए फैंस संजू सैमसन को पसंद करते हैं, क्योंकि जब दूसरों के लिए जो नियम कानून बनाए हैं बीसीसीआई ने वो संजू सैमसन पर अप्लाई क्यों नहीं होते, उनको संजू सैमसन के लिए क्यों नहीं लागू किया जाता, जब दूसरों को आप आईपीएल के आधार पर ले रहे हैं तो संजू सैमसन को क्यों नहीं ले रहे मेरे भाई। बीसीसीआई वालों इन आंकड़ों को देखो, इन रिकॉर्ड्स को देखो, अगर इन रिकॉर्ड्स को आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने संजू सैमसन के साथ कितना गलत किया है। इस खिलाड़ी को कई साल पहले टीम में लेना चाहिए था, लेकिन इस खिलाड़ी के साथ बहुत गलत हुआ है। आपका संजू सैमसन के इन आंकड़ों को लेकर क्या कहना, और सातवीं कौन सी पारी आपकी नजर में है जो संजू सैमसन की सबसे बेहतरीन है और जो यादगार पारी होनी चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।